तो दोस्तों बजाज फाइनेंस के शेयर्स में आज एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। लगभग 8% इसके शेयर में गिरावट आई। उसके रीजंस क्या रहे, कल कंपनी ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, रिजल्ट के साथ साथ गाइडेंस भी डिक्लेयर किए हैं। दोनों चीजें एक बार ही समझते हैं और फिर समझेंगे क्या गिरावट का रीजन रहा, और अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आपको क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस के शेयर में। तो अगर हम चलते हैं, सबसे पहले इसके शेयर पे बात करते हैं। यहां पर अभी 6700 रुपीस के आसपास ये शेयर फ्राइडे को बंद हुआ है। लगभग 8% की गिरावट यहां पर इसके शेयर में देखने को मिली है। अगर आप एक साल में देखेंगे तो यहां पर लगभग ये 6200 रुपीस के आसपास हुआ करता था, अभी 6700 रुपीस के आसपास ये चल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल नंबर्स देखते हैं तो रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू किसी भी क्वार्टर के यहां पर कंपनी के नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट की भी बात करें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स भी यहां पर कंपनी के नजर आ रहे हैं। तो ऊपर से नजर में देखते हैं तो एक अच्छे नंबर्स यहां पर नजर आते हैं। ग्रॉस अगर हम एनपीएस की बात करें तो कम हुए हैं, नेट एनपीएस की बात करें तो स्टेबल नजर आ रहे हैं यहां पर 0.37% के आसपास। तो ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है, लेकिन अगर हम ओवरऑल नंबर समझते हैं कि कितने कैसे नंबर्स यहां पर रहे हैं तो एक बार हम पहले नंबर्स को यहां पर समझ लेते हैं। डिलीवर्ड एयूएम ग्रोथ की बात करें तो 83,000 करोड़ के आसपास की ये ग्रोथ रही है। 34% की ग्रोथ हुई है ओवरऑल अगर हम एयूएम में बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। न्यू लोन्स बुक 22% की यहां पर भी ग्रोथ है। हाईएस्ट एवर फ्रेंचाइज कस्टमर बेस एडिशन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। 14 मिलियन नए कस्टमर्स एड हुए हैं, 412 न्यू लोकेशन ऐड किए हैं इन्होंने। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स यहां पर इंक्रीज हो गया है, 7.74% हो गया है, तो ये एक कंसर्न यहां पर रहेगा कंपनी के लिए। इसके अलावा चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, 29% की ग्रोथ हुई है। नेट टोटल इनकम में पूरे साल में देखते हैं तो 26% की ग्रोथ यहां पर रही है, तो ग्रोथ यहां पर भी अच्छी नजर आती है। इसके अलावा अगर लोन एंड लॉसेस प्रोविजन देखें तो इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम नंबर्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26% की ग्रोथ है, और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं 24% की ग्रोथ है। रिटर्न ऑन एसेट्स 5% के आसपास है, 5.31% हुआ करता था जो गिर के 5% रह गया, तो ये एक नंबर है जो इनका लगातार खराब हो रहा है। और इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी लगातार नीचे जा रही है, 23.46% थी जो अभी गिर के 22% के आसपास आ गई है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये दोनों नंबर्स इनके ओवरऑल खराब आए हैं। वो ओवरऑल देखते हैं अगर तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट है इनके और सब्सिडरीज। अब बात आती है कंपनी ने गाइडेंस यहां पर क्या दी है। तो अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं तो कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं दी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं दी है, एक बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ यहां पर गाइडेंस दी है। जैसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की समझते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके मॉडरेट हुए हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गया, हमने अभी देखा है कॉस्ट ऑफ फंड इनका 7% से बढ़ के 7.7% के आसपास हो गया है, और एयूएम का साइज बढ़ रहा है इनका। तो इनको उम्मीद है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ये जुलाई अगस्त तक पीक करेंगे, यानी यहां से अभी और इंक्रीज हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है इस कंपनी के लिए, और इनको ये उम्मीद है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में करंट लेवल्स के आसपास ही आपको यहां पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिलेगा। ये हो सकता है 30 से 40 बेसिस पॉइंट और गिरावट आपको देखने को मिले नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। तो ओवरऑल ये एक बिग नेगेटिव है कंपनी के लिए, कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज होना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगले 2 क्वार्टर में मान रही है कंपनी गिर सकते हैं, उसके बाद शायद इंप्रूवमेंट आ सकती है कंपनी के ये जो मैनेजमेंट असेसमेंट है इसके हिसाब से। रिटर्न ऑन एसेट्स 5.31% था, गिर के 5% आ गया, और कंपनी का मानना है कि ये और गिर के 4.6-4.8% रह सकता है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सेम यहां पर सेम लेवल्स पे रहेगा ओवरऑल। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ, कितनी ग्रोथ होगी फर्स्ट हाफ में ये अभी कंपनी ने नहीं बोला है, कॉशियस है कंपनी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हैं ये इनके और बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के स्टेटमेंट से ये चीजें समझ आ रही है कि एक तो कंपनी अभी श्योर नहीं है नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर, कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर कितना बढ़ सकता है, रिटर्न ऑन एसेट्स आने वाले टाइम में गिरावट बताने की कंपनी कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल जो इनकी गाइडेंस आई है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आने वाले
खरीद एटलीस्ट दो क्वार्टर्स के लिए नहीं आई है। कंपनी को लगता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो पीक नहीं गए हैं, अभी ऑलरेडी 7% से बढ़ के 7.74% हो चुके हैं और कंपनी का मानना है कि ये जुलाई अगस्त तक पीक करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इस कंपनी के लिए है क्योंकि मार्केट हमेशा आने वाली ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करके चलती है। तो ये एक बिग नेगेटिव कंपनी के लिए ओवरऑल हम देख रहे हैं 20-25% की ग्रोथ हमें हर लेवल्स पे दिख रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये जो इनके की नंबर्स हैं ये लगातार थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दो क्वार्टर्स में फर्दर डेटोरेशन यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एक बिग नेगेटिव इस कंपनी के लिए बना है। अगर आप ऊपर ऊपर से रिजल्ट्स देखेंगे आपको अच्छा नजर आएगा, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स, लेकिन आने वाले दो क्वार्टर्स में कंपनी का आउटलुक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकर ये सिमिलर नंबर्स, सिमिलर थोड़े से कॉस्ट ऑफ फंड्स की इंक्रीमेंट, ये रीजंस की वजह से गिरावट आपको देखने को मिली है। अब इसके चार्ट्स में चलते हैं, देखते हैं यहां पर सपोर्ट कहां बनता है। तो देखिए पहला सपोर्ट यहां पर ऑलरेडी टूट चुका है, 7000 रुपीज के आसपास का, 7100 रुपीज के आसपास की इसने सपोर्ट बनाया था। नेक्स्ट सपोर्ट यहां पर 6400-6500 के लेवल्स पे जा सकता है ये शेयर। और मुझे लगता है कि ये कंपनी का शेयर अगर आप यहां पर देखेंगे ऊपर जाता है 7000 रुपीज तक, 8000-7000 और फिर गिर के 6500-6600 के लेवल्स पे एक साल से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। इवन अगर हम 3 साल का भी चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये 7000-7400 रुपीज के लेवल्स पे जाया गया है, फिर गिर के नीचे आया है, फिर अगेन 7500, देन 5600, देन 8000 और अब फिर से 6400 आके 7000 गया था। फिर मुझे लगता है 6400 तक के लेवल्स यहां पर छू सकता है। 6400 लेवल्स इसके काफी की सपोर्ट्स रहेंगे, वहां से नीचे गिरता है तो 5500-5600 रुपए, लेकिन उतना नेगेटिव जाएगा नहीं जाएगा बहुत ज्यादा मुश्किल है कहना, लेकिन 6400-6500 के लेवल्स हैं जो एक अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक आपका एंट्री पॉइंट बन सकता है। लेकिन साथ में एक चीज याद रखिए, अगले दो क्वार्टर्स में आपको मॉडरेशन ही देखने को मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा उछाल इसके प्रॉफिट्स में, सेल्स में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में नहीं देखने को मिलेगा। ये कंपनी ऑलरेडी इस बार बोल चुकी है वो नेगेटिविटी ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस्ड इन है। और मैं जितने भी ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जैसे हमने कल कोटक महिंद्रा बैंक पे बात की थी, आज हम बजाज फाइनेंस पे बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले हमने HUL पे बात की थी, एशियन पेंट्स पे बात की थी, इन सभी लार्ज कैप स्टॉक्स में मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जितने भी इंडिया में लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसको चलाने का सबसे बड़ा रीजन होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट आती है। अभी इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, तो लार्ज कैप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, जब नीचे लेवल पे आए तब इन्वेस्ट करिए, अगर आता है तो इन्वेस्ट करिए, नहीं आता है तो भागने की इन स्टॉक्स के पीछे जरूरत आपको नहीं है। तो पहले लेवल 6400-6300 पे आता है तो आप एडिशन करने के बारे में सोच सकते हैं, देन अगर वहां से भी नीचे जाता है तो 5600-5700 पे नेक्स्ट सपोर्ट नजर आता है। ये दो की लेवल्स यहां पर इन स्टॉक्स में रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय इस स्टॉक में मैं नहीं देता हूं, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस उम्मीद में कि आपको हेल्प मिलती है इस वीडियो से। धन्यवाद।